हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से हाफ कॉलर सूट सिलना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पीछे वाले पल्ले को लिया है और इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। इसकी हमने कटिंग की वीडियो भी बनाई है, तो आप चाहे कटिंग की वीडियो देख सकती हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से हाफ कॉलर सूट को बनाया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें गला पहले से ही बना हुआ है, देखिए इस तरह का। तो इसमें हम गला नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है, एक सिलाई हम इसमें और लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे, तो इसको हमें कुछ इस तरह से मिलाना है और पीछे की तरफ हम यहाँ पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो कॉलर की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, 6 को डबल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 इंच। तो हम यहाँ पर कॉलर की एक पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कॉलर की पट्टी कटिंग करी है। इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर 12 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इस तरह की आपको एक पट्टी कटिंग करनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पट्टी लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर कॉलर वाली पट्टी को लेंगे, इसको इस तरह से रखें, यहाँ पर फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है। फिर हम यहाँ पर एक दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर कॉलर वाली पट्टी रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे इस तरह से और इसमें दाग सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है, इसको हम क्या करेंगे, सूट में सिलेंगे। तो सूट को हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो कॉलर है इसको सीधा रखेंगे। दोनों कट को हमें कुछ इस तरह से मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ पर आधी साइड में कॉलर को सिलेंगे। फिर हम यहाँ पर घुमाकर दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी सिलाई है उसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसमें हमें दाग सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी तो उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा कॉलर सिलकर तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने कट भी लगा दिए हैं। कट लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर झोल नहीं आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और साइड फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखना है और जहाँ पर हमारा निशान है तो उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड से सूट की फिटिंग कर दी है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी सूट की फिटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड से कट लगा दिए हैं, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी लेस है तो इसको हम नीचे की तरफ लगा लेंगे, ठीक है। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और यहाँ पर हमारी जो लेस है तो इसको हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, जितना हमारा मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे, इस तरह से बराबर करके हमें जितना मार्जिन है उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पीछे वाले पल्ले पर भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में चाक से लेंगे, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाक को फोल्ड करके इस तरह से सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और यहाँ पर भी हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए, तो इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने बाजू को लिया है, बाजू में मैंने देखी कुछ इस तरह से डिजाइन बनाई है, देखिए कितनी सुंदर सी हमारी डिजाइन है। तो इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो इस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कट है वो कट हम क्या करेंगे, शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे। इस तरह से हमें इसके बीचों बीच रख लेना है और यहाँ पर इसको नापेंगे। और यहाँ पर हमारा जो साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है, इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, साथ में हमें कट लगा देना है। और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से हमारा हाफ कॉलर सूट सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।